नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए उदयपुर वाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन साधुल सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे। साधुल सिंह जी भोजराजोत के पुत्र भोपाल सिंह जी ने अपने खुद के लिए झुंझुनू के अंदर एक महल बनवाया। उनका जन्म विक्रमी 1792 के अंदर हुआ। वे ठाकुर अमर सिंह निर्वाण की पुत्री का पाणी ग्रहण करने के लिए जसरापुर पधारे थे। ठाकुर अमर सिंह जी ने बड़ी धूमधाम से विवाह किया था। जसरापुर के पूर्वी दक्षिणी कोण में प्राय 3 मील की दूरी पर पहाड़ों से गिरे हुए एक सजल स्थान पर ठाकुर अमर सिंह के भाई खेत सिंह जी ढाणी बनाकर बसे हुए थे। दोस्तों ये वही खेत सिंह जी थे जिनकी भतीजी का विवाह साधुल सिंह जी के पुत्र भोपाल सिंह जी से होने जा रहा था। वहाँ के पहाड़ों और आसपास में घास की अधिकता को देखते हुए घोड़ों के चरने की अच्छी व्यवस्था लगी। भोपाल सिंह जी ने उस समय मनोरम दृश्य को देखकर उसी जगह को वहाँ पर मांग लिया और उनके घोड़े व आदमी वहाँ पर रहने लगे। भोपाल सिंह को वह पहाड़ी भूभाग इतना पसंद आया और उस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। पहले पहाड़ पर एक बुरुज बनाई, उसके बाद विक्रमी 1812 में खेत सिंह की डाणी के स्थान पर खेतड़ी नगर बसाना आरंभ किया और अपने नाम से ही पहाड़ी पर भोपालगढ़ किला बनवाया। इस भोपालगढ़ की समुद्र तल से ऊंचाई 2337 फीट बताई जाती है। विक्रमी 1814 में उन्होंने खेतड़ी को अपनी राजधानी बनाने का गौरव प्रदान किया। खेतड़ी के पुराने कागजों में पाया जाता है कि विक्रमी 1814 में दिल्ली के शाही मनसब से 10,000 मनसब भोपाल सिंह को मिला था। दोस्तों शाही मनसब से हजारी मनसब, 1,000 का मनसब भोपाल सिंह जी को मिला था। परगना सिंगाणा के कुछ गांव जो उनके दादा साधुल सिंह जी की पकड़ से बाहर थे, वो गांव भी अब भोपाल सिंह ने अपने कब्जे में कर लिए थे। विक्रमी 1824 में शोराण सागवान को उन्होंने जीत लिया। बगरू के युद्ध में जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह जी भी भोपाल सिंह के शौर्य की बड़ाई किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने स्वयं मल्हार राव होलकर को जयपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले भी विक्रमी 1805 में मराठों के छक्के छुड़ा दिए थे जब जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने सहायता मांगी थी। विक्रमी 1824 में भरतपुर जयपुर के प्रसिद्ध युद्ध मावंडा का युद्ध में भोपाल सिंह जी ने जयपुर के भाईपे के पक्ष में तलवार उठाई थी। इसमें तो वो भरतपुर की सेना से तोप तक भी छीन कर ले आए थे जो आज भी भोपालगढ़ के किले के अंदर रखी हुई है। यह तोप प्रसिद्ध समरूकी फौज की थी। विक्रमी 1828 में भोपाल सिंह ने लोहारू पर चढ़ाई की। उस समय लोहारू पर राजा रायसल के अन्यतम भाई भैरू जी के वंशज कीरत सिंह जी और मेड सिंह जी का अधिकार था। भोपाल सिंह जी की उनसे सदा लड़ाई रहती थी जबकि ये भाईपे का काम था। इसके आगे की किस्से अपन अगली कड़ियों में पढ़ेंगे। इस किस्से में अपन ने जाना खेतड़ी की स्थापना कैसे हुई। इतिहास के ऐसे किस्सों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवा से और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए क्योंकि आपको इतिहास के रोचक किस्से यहीं पर सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।